हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ और वो है चिकन अफगानी विद ग्रेवी। आज हम बहुत इजी तरीके से और कम इंग्रेडिएंट्स से इस क्रीमी लाजवाब चिकन बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक मिक्सर जार में ले रही हूँ लहसुन। मैंने यहाँ पर लहसुन के 9 से 10 कलियाँ ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा साइज़ का प्याज, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और इसमें मैंने ली है 2 हरी मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप धनिया पत्ता। अब हम इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। स्मूथ पेस्ट हो गया है, अब हम इसको एक बड़ी बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही। दही डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ पर अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ की है, अगर आप चाहें तो घर का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 3 चम्मच काजू का पेस्ट। अब डाल देते हैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच करी पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ा चीनी। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें चिकन का पीस डाल देंगे। अब हम इसको इसी तरह से 2 घंटा ढक के रख देंगे। 2 घंटे के बाद मैं एक पैन में ले रही हूँ 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल और उसके साथ ले रही हूँ बटर। तेल गरम होने के बाद हम एक एक करके मैरिनेट किया हुआ चिकन का पीस इसमें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम में रख के हम दोनों साइड से चिकन पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन का पीसेस दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं इसे तेल में डाल रही हूँ 2 लौंग और 2 हरी इलायची। अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे। ये अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ बचा हुआ मसाला।
फ्लेम को मीडियम में रख के हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसको बार बार इस तरह से चलाते जाना है ताकि नीचे से लग ना जाए। इसमें उबाल आ चुका है, अब मैं डाल दूंगी भुना हुआ कसूरी मेथी। अब मैं डाल रही हूँ पहले से फ्राई किया हुआ चिकन के पीसेस। अब इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। फ्लेम मीडियम में रख के सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप फुल फैट मिल्क। फ्लेम हाई में रख के इस तरह से चलाते जाना है। दो से तीन मिनट हाई फ्लेम में पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इस इजी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।